हेलो एवरीवन, आई एम सतीश, टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर, एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो ये हमारी इंटरव्यू सीरीज़ का ये अगला वीडियो है। लगातार हम दो तरह की वीडियोस बना रहे हैं। एक उस तरह एक वीडियो जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर डिस्कस कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस ले रहे हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाने हैं। और दूसरी वीडियो हमारी बन रही है, वो है डेमो क्लास को लेकर के, जो आपकी वहाँ टीचिंग कराई जाएगी, जिसका वेटेज 30 मार्क्स है, और उसके लिए हम लगातार टॉपिक ला रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो इसके पहले फोटोसिंथेसिस जो कि पूछा गया था, और हालांकि कई बार कन्फ्यूजन होता है कि इसको किस में रखें। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक पूछा गया है, आपको नहीं लग रहा है प्राइमरी से है, फिर भी आपको उसको EVS में रख देना है यदि वो हिंदी इंग्लिश मैथ में नहीं आ रहा है, क्योंकि EVS एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, चाहे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट हो चाहे साइंस, मिला करके EVS एक सब्जेक्ट है। तो आज जो हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है डेमो क्लास किसकी है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। यदि आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप बच्चों को कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, जीरो का कॉन्सेप्ट कैसे बताएंगे, तो उसके लिए आज मैं डेमो क्लास लेकर के आया हूँ कि हम कैसे बढ़ाएंगे। और आप पेन कॉपी भी ले सकते हैं, थोड़े थोड़े से पॉइंट नोट कर सकते हैं, ताकि जब एंड टाइम में जब आपका एक इंटरव्यू हो तब आप रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि आपको खुद भी कुछ ना कुछ टॉपिक प्रिपेयर करके जाने हैं। कि मान लीजिए वहाँ कह दिए गए कि चलिए आपको जो आता है, जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं वो आप पढ़ाइए, तो वहाँ पर आपको क्या है कि कुछ ऐसे टॉपिक जिसमें आपकी अच्छी मजबूत है पकड़ है, जिसकी आपने तैयारी करी हुई है, वो आपको वहाँ पढ़ाने चाहिए। वरना वैसे भी मैं काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो इतने टॉपिक में पढ़ा दूंगा जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, चाहे कोई भी टॉपिक वहाँ आपसे पूछ लिया जाए पढ़ाने के लिए, वो आपसे बिना किसी डर के कॉन्फिडेंस के साथ बन जाएगा। तो देखिए, पहले शुरू करते हैं आज टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। जीरो का कॉन्सेप्ट वैसे आपको देखना होगा कि किस क्लास में आएगा। क्लास 1 का ये टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। किंडरगार्टन में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 1 में भी पढ़ाया जाता है। तो आप क्या क्या करिए, सबसे पहले आप जो आएंगे तो वहाँ पर चौक रहेगी जनरली, या फिर मार्कर भी हो सकते हैं, व्हाइट बोर्ड हो सकता है, या ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है वहाँ पर, वो वेन्यू पर डिपेंड करता है। सबसे पहले जो आप करेंगे वो आप यहाँ पर नोट करेंगे डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, और ये जो साइड लिखना होता है वो टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट और एबसेंट स्टूडेंट। ये ना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मेन तो आपकी टीचिंग है, लेकिन ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट आप कैसे करेंगे, मेन चीज़ ये होती है। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो कोई ऐसा थिंग नहीं है, पोयम स्टोरी नहीं है जिसको हम उनसे निकलवाएं, है ना। तो स्टार्ट हम कैसे कर सकते हैं, किसी एक्टिविटी से कर सकते हैं या किसी स्टोरी से कर सकते हैं। तो मैं जो एक आइडिया बता रहा हूँ वो किसी आप एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं, और बीच बीच में आप ऐसा उन्हें बताते भी जाइए इंटरव्यू को, इंटरव्यू जो बोर्ड के मेंबर हैं, कि आप सर मैं यदि क्लास में होऊंगा तो मैं सर ऐसा और इसमें इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास चौक रखी हुई है, आप ऐसा उनसे बोलोगे इंटरव्यू बोर्ड से कि सर मैं क्या करूंगा कि बच्चों को एक एक बुला करके ये मैं उन्हें चौक जो है दूंगा। तो पहले जो मैं क्या करूंगा कि तो स्टूडेंट्स ये कितनी चौक हैं आपको बतानी है, कि ये कितनी चौक हैं, ये मैं सर बच्चों से पूछूंगा, स्टूडेंट्स ये कितनी चौक हैं, तो वो बता देंगे गिन करके कि 4 हैं। फिर इसके बाद सर मैं ये करूंगा कि एक एक बच्चे को बुलाऊंगा यहाँ पर लाइन से, और उनको एक एक चौक जो है दूंगा कि ओके सानिध्य, ये अभी कितनी हमारे पास चौक है, ये है हमारे पास 4, आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। क्लास 1 को आप पढ़ा रहे हैं टॉपिक, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। तो सानिध्य, एक चौक मैंने आपको दे दी, तो आप ऐसे उसे दे देंगे या साइड में रख देंगे। तो अब बच्चों कितनी चौक बनी, सानिध्य से काउंट करिए आप 1, 2, 3। अब एक चौक मैंने एक दूसरे बच्चे को दे दी, सुमित को दे दी, है ना, तो ये कितनी चौक हो गई। अभी आपके पास कितनी चौक बची, ये है 2 चौक्स 1 एंड 2, ये मैंने किसी को और को दे दी, मान लीजिए सांझ को दे दी, और ये वाली अब कितनी बची हमारे पास 1 है चौक, और ये वाली लास्ट चौक किसे दे दी हमने, तो ये अभी कितनी बची मेरे हाथ में। तो बच्चे कहेंगे सर नथिंग, अच्छा बिल्कुल, देयर इज़ नो चौक, देयर इज़ नो एनी चौक, मेरे पास अब कोई भी चौक नहीं बची। तो अब क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, नथिंग को हम कहते हैं बच्चों जीरो। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा उस साइड पे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, ओके, ये आपने कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो डाल दिया।
अब मैं आपको भी हिंट करता जा रहा हूँ कि पढ़ाने के तीन तरीके होते हैं। एक आपने किसी एक्टिविटी के थ्रू बता दिया, ऑब्जेक्ट को बता दिया आपने, ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद कोई स्टोरी आप बता सकते हैं। तीसरा, आप बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं बताने में। तीन तरीके हो गए आपके किसी टॉपिक को पढ़ाने के। एक तरीका हमने यूज़ कर लिया अभी टॉपिक को, चौक के द्वारा। अब क्या करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बना रहा हूँ, मैं एक बास्केट बना रहा हूँ। मैं एक बास्केट, मान लीजिए एक बास्केट है ऐसी, और मैं इसमें एप्पल एप्पल डाल रहा हूँ। तो आपको बताना है कि ये इस बास्केट पे कितने एप्पल हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो अच्छा, काउंट करके बताओ, किसी को हम बुला भी सकते हैं। तो ये कितने एप्पल हैं, 1 2 3, यहाँ पर कितने एप्पल हैं, 3 एप्पल हैं। कितने एप्पल हैं, 3 एप्पल हैं, और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखेंगे 3, ठीक है। अभी एक मैं दूसरी बास्केट बना रहा हूँ, अब बताना है इसमें कितने एप्पल हैं। तो अब मैं इसमें बना रहा हूँ, अब कितने एप्पल हैं, इसमें 2 एप्पल हैं, आप काउंट कर सकते हैं, 1 एंड 2। एक मैं तीसरी बास्केट बना रहा हूँ, तो इसमें कितने एप्पल हैं, अब आपको बताना है कि इसमें कितने एप्पल हैं, ये है 1 एप्पल। कितने एप्पल है, 1। अच्छा, मैं अब एक बास्केट ऐसी बना रहा हूँ, आपको बताना है कि कितने एप्पल हैं इसमें। तो इस जो बास्केट, सॉरी, इस बास्केट में कितने एप्पल हैं बताना है। अरे यहाँ तो बिल्कुल एप्पल नहीं है, देर इज़ नो एनी एप्पल, नथिंग। ये बिल्कुल बास्केट कैसी है, एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे 0, और 0 को हम कैसे लिखते हैं, एक सर्कल से। यहाँ कितने एप्पल हैं, 0 एप्पल हैं। तो बच्चों जब कोई वैल्यू नहीं रहती है, देर इज़ नो एनी वैल्यू, तो उसको हम कहते हैं, नथिंग को हम कहते हैं, 0 कहते हैं। चलो, इसके लिए एक बहुत अच्छी सी मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। देखिए आपने क्या किया, वैसे तो इतने बीच में ही वो रोक देंगे, लेकिन आपको प्रेपर करके जाना है कि आप 4-5 मिनट का टॉपिक पढ़ा के जाएं। इसके बाद क्या है, एक आप स्टोरी पढ़ाएंगे, मैं बता रहा हूँ किस कैसी स्टोरी होगी वो। तो स्टोरी बच्चों ऐसी है कि एक बार बहुत सारे नंबर्स कहाँ गए थे, पार्टी में गए थे। वो नंबर्स कौन कौन से थे आपको बताना है। वहाँ पर 0 भी था 1 भी था, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इतने सारे नंबर। 10 लोग कहाँ गए थे, पार्टी में गए थे। सब लोग डांस कर रहे थे वहाँ पर, क्या कर रहे थे, सब लोग वहाँ पर डांस कर रहे थे। लेकिन एक जो नंबर है 0, बेचारा कॉर्नर में बैठा रो रहा था, क्राई कर रहा था, 0 वॉज क्राइंग। तो वो बाकी जो नंबर्स हैं वो डांस कर रहे थे, तो बाकी नंबर्स उससे आके पूछने लगे कि तुम रो क्यों रहे हो, 0 से पूछने लगे। तो 0 कह रहा है कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, है ना, मेरे पास कोई वैल्यू, सबकी कोई ना कोई एक वैल्यू है, लेकिन मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो बाकी नंबर्स आके कहने लगे, 1 उससे आके, उस 1 ने आके ये कहा कि 0, तुम जब सही प्लेस पे कोई बैठता है तब उसकी वैल्यू होती है, तो मेरे साथ, हम लोग के साथ आकर क्यों नहीं बैठते हो। तब 0 ने उनकी बात मान ली। तब जो बाकी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जब 0 आकर के 1 के बगल पे, सॉरी, तो 0 जो आ करके 1 के बगल में बैठा, तो उसकी वैल्यू हो गई 10। तब उसको भी समझ में आ गया कि हाँ, जब हम राइट प्लेस पे होते हैं तो हमारी वैल्यू क्या है, बढ़ गई, उसकी बढ़ गई ना 0 की वैल्यू। एक और चीज़, जब हम ऐसे बीच में टर्म यूज़ करते हैं ना कि हाँ हम राइट प्लेस पे होते हैं, हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, एक टाइप से हम बच्चों को मोरल वैल्यूज़ भी सिखा रहे हैं उन्हें, है ना। तो वैल्यू कितनी हो गई, 0, इसकी 10 हो गई वैल्यू, 0 की बढ़ गई वैल्यू। अब 0 जब आ करके 10 से हट के यहाँ बैठ गया 2 के बगल में, इसकी वैल्यू 20 हो गई। अब 3 के बगल में बैठ गया, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। तो अब बच्चों आपको ये समझ में आया कि जब 0 सिंगल होता है, अकेले बैठा होगा, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, वैल्यू हो गई इसकी कुछ भी नहीं, नो वैल्यू। लेकिन उसकी जब वो 0 की वैल्यू, 0 जब बगल में किसी आके बैठ जाएगा, तो उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट ऑफ 0 है। अब बच्चों एक आपको, आपके लिए एक वर्क है, अब आप लोग एक वर्क करेंगे। हो सकता है कि इतने में स्टॉप कर ही देंगे आपको, लेकिन फिर भी आपको तैयार तो करके जाना ही है। एक आप उनको वर्क भी देंगे किस तरह का,
मैचिंग का, आप उन्हें मैचिंग दे सकते हैं। कैसा? कोई एक ऑब्जेक्ट रख लीजिए, मान लीजिए ये बलून है, 3, 4, यहाँ पर रख दीजिए आप 2, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, बेस्ट रहेगा। बॉक्स में बंद कर देंगे, इधर आप 0 रख देंगे और इधर 1 करके, इधर 0 और इधर 2, ठीक है। और इधर आप नंबर लिख देंगे, जैसे 4 है, आप इधर लिख दिया 4, है ना, ये 0 हो गया, इसको क्या है 2 कर देना आप, और इसको 1। तो बच्चों एक मैचिंग है यहाँ पर बलून से और वहाँ पर उनकी वैल्यू है। तो अब आपको ये जो वर्क है आपको सबको कॉपी में करना है, तो आपने ये क्लास वर्क दे दिया। तो इस तरह से ये टॉपिक था कुल मिला के 0 का। इतना पूछेंगे नहीं, आपको बीच में ही रोक देंगे, लेकिन फिर भी आपको तैयार करके जाना है। आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा, ये तो मैंने बताया कि मुझे क्या लगता है कैसे पढ़ाना चाहिए 0 को। अब आप चाहे तो ऐसा नहीं पढ़ा सकते, आप और अच्छा पढ़ा सकते हैं इससे। आप बहुत सारी चीज़ें, कुछ न्यू स्टोरी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये जो वर्क दिया है कुछ और दे सकते हैं, हमने चॉक का यूज़ किया कोई और कर सकते हैं, है ना। ये अपनी अपनी स्किल के ऊपर रहता है, क्रिएटिविटी के ऊपर रहता है, आप कैसे टॉपिक को डील करते हैं। और हमेशा ये ध्यान में रखना कि आप बच्चों को सिखा रहे हैं, क्लास 1 के बच्चों को, उनका मेंटल लेवल हमें ध्यान में रख करके पढ़ाना होता है। तो कमेंट में बताइएगा कैसी लगी क्लास, आगे आप किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।